हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम हॉल्टर नेक एंड हाई नेक कॉलर जो है तो उसका ड्राफ्ट सीखेंगे. ओके, सो यहाँ पे कुछ इमेजेस है जिसमें हॉल्टर नेक एंड हाई नेक कुर्तीज़ के पैटर्न दिखाए हैं. ओके, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है कि हॉल्टर नेक एंड हाई नेक में. सो जैसे आप देखते हो कि हॉल्टर नेक जो पोर्शन रहता है, ये जो पोर्शन है पट्टी का जो पोर्शन रहता है फ्रंट का, वो फ्रंट से लेके बैक में वो अटैच होती है. ओके, सो वो है हॉल्टर नेक. एंड हाई नेक का पोर्शन मीन्स जो नेक लाइन कवर करती है कॉलर्स, वो है हाई नेक कॉलर्स. जैसे फर्स्ट इमेज में यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा नेक ब्रॉड है, बट ये बेसिक जो ड्राफ्ट रहता है वो नेक को क्लोज होता है. ओके, सो नेक यहाँ पे कवर हो जाता है एंड देन फ्रंट से वो शेप क्रिएट होते हैं. तो ये है हाई नेक कॉलर्स. ओके, इसमें डिफरेंट पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं. जैसे ये एक हाई नेक है, देन ये सेम दिख रहा है बट इसमें बैक साइड से ये जो पोर्शन है ओपन है. ओके, इसका बैक व्यू आप देखोगे तो बैक व्यू में ये ओपन होता है, जस्ट बैक सेंटर बैक से जिप अटैच होती है. ओके, सो बैक में जस्ट एक ऊपर की नेक के वहाँ पे एक जस्ट एक पट्टी फॉर्म होती है. ओके, सो ये एक पैटर्न है. कुर्तीज़ में भी ये पैटर्न आपको दिखते हैं, जैसे ब्लाउजेस, कुर्तीज़ एंड वन पीस ड्रेसेस. ओके, इसमें ये तीनों भी पैटर्न्स में, तीनों भी इसमें फॉर्म्स में ये कॉलर का जो ड्राफ्ट है वो यूज़ होता है. ओके, सो कुछ इमेजेस यहाँ पे. सो इसके ड्राफ्टिंग्स जैसे आप देखते हो कि फर्स्ट जो आपने ए लाइन का जो ड्राफ्ट किया है, या फिर आपने जो सेंटर फ्रंट का जो बेसिक ड्राफ्ट किया है, वही ड्राफ्ट आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो. आपको जस्ट नेक के वहाँ पे चेंजेस करने हैं. ओके, सो आपने फर्स्ट इमेज में जैसे देखा है, मैंने आपको बताया कि हाई नेक के लिए जो पोर्शन रहता है नेक को कवर हो जाता है. ओके, कॉलर का जो पोर्शन रहता है जनरली आप देखते हो नेक का पोर्शन कवर होता है. सो नेक का पोर्शन कवर होने के लिए जो आपका बेसिक ड्राफ्ट है, वहाँ से आपको जो नेक लाइन है, नेक लाइन से आपको ऊपर कुछ एक्स्ट्रा 2 to 3 inches एक्स्ट्रा लेके वो पट्टी अटैच होती है, तो वो पोर्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखता है. जैसे आपका ये बेसिक ब्लॉक है 0 to 5 का जो पोर्शन है, ये लाइन यहाँ से जब आप नीचे देखते हो तो ये जो आपका बेसिक ब्लॉक है वही ब्लॉक मैंने यूज़ किया है. ओके, सिर्फ मैंने जो चेंजेस किए हैं वो ऊपर का जो पोर्शन है 0, 12, 1, B, ये 4 points में चेंजेस हुए हैं. ओके, बाकी चेंजेस नहीं लिए हैं. सो कौन से पॉइंट चेंज करना है, जैसे आपने देखा है 0 to 12 अपने बेसिक ब्लॉक में नेक विड्थ लिए थी, जैसे चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाई 12th, ये कैलकुलेशन था. सो यहाँ पे आपको 0 to 12 चेंज करना है. ओके, सो 0 to 12 आपको 3.75 रखना है. उसमें आपको जब आप स्टिचिंग करोगे तो और क्लियर हो जाएगा. ओके, सो 0 to 12 3.75, आप 30 चेस्ट साइज से 36 तक ये मेजरमेंट आप ले सकते हो सेम. ओके, सो 3.75 लेना है आपको 0 to 12. एंड देन 12 to 1 आपको 4.5 inches. ओके, 4 to 4.5 inches आपको ऊपर स्क्वायर फॉर्म करना होता है. ओके, जो ऊपर का पोर्शन है वो बैक के जो पोर्शन है उसके साथ वो अटैच होती है, वो जो स्क्वायर पार्ट है. ओके, वो कॉलर का पार्ट है तो बैक साइड पे वो अटैच होती है. सो आप जनरली देखते हो फ्रंट एंड बैक साइड पे वो कवर हो जाती है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट इमेज में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो पोर्शन है, ये पार्ट जो है यहाँ पे जस्ट ऊपर ओपन हुआ, मतलब ओवरलैप, जैसे ऊपर का जो पोर्शन खड़ा दिख रहा है वो है. ठीक है, जस्ट ही ऊपर से यहाँ से स्टिच होके जब बैक में ये टर्न होती है तो यहाँ पे जो पोर्शन दिखता है आपको, वो पोर्शन अपनी जो ड्राफ्टिंग में अभी जो स्क्वायर फॉर्म किया है वो रहेगा. ओके, सो 12 to A आपको एक्स्ट्रा लेना है 4 to 4.5 inches. ओके, सो यहाँ पे 4.5 दिया तो 4.5 inches आपको आगे एक्स्ट्रा लेना है. देन 0 to 12 जितना आपने लिया है 3.75, सेम B2A आपको 3.75 लेना है. एंड देन यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म करना है. ओके, मेजरमेंट्स में जस्ट इतने ही मेजरमेंट चेंज करने हैं, बाकी का जो बेसिक ब्लॉक है तो वो स्ट्रेट यूज सेम यूज़ करना है. सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक ड्राफ्ट जो है तो साइड स्लिट का जो है वो ड्राफ्ट यूज़ किया है, तो आप इसमें ए लाइन का यूज़ कर सकते हो, वेस्ट लाइन से कट करके आप अम्ब्रेला या कली, आप जो भी फॉर्म करना है तो आप उसमें फॉर्म कर सकते हो. सिर्फ इसमें आपको कॉलर का जो मेजरमेंट है, जैसे शोल्डर का मेजरमेंट है, वो चेंज करना होता है. सो सबसे पहले तो आपको जो 0 to 5 है तो ये शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, जो कि आपने बेसिक ब्लॉक में लिया था अराउंड 14 to 16 inches का जो शोल्डर का मेजरमेंट है आपका, वो डाल दो. एंड देन उसके बाद ये पॉइंट फॉर्म कर लो. ओके, सो वो इजी हो जाएगा. तो सबसे पहले पॉइंट आपको शोल्डर का डालना है एंड देन उसके आगे ये पॉइंट मेजरमेंट करना है. ओके, सो नेक ब्रॉडनेस 3 inches लेना है आपको. देन उसके बाद 12 to ये जो पॉइंट है 12 to A,
आपने 4.5 लिया है एंड देन स्क्वायर फॉर्म किया है. सो बैक में आपको एक यहाँ पे मेंशन किया कि शोल्डर की एक इंच ऐड करना है. ओके जैसे आप देखते हो कॉलर के जो बैक साइड पे रहते हैं, जब जब आप कॉलर स्टिच करते हो तो बैक साइड के जो बेस ड्राफ्ट है उसमें 1 इंच ऐड करके स्टिच होता है. ओके यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड पे एक ऑरेंज लाइन मैंने क्रिएट की है, वो है 1 इंच की एक्स्ट्रा लाइन. सो बैक का जो पोर्शन है वो आपको एक्स्ट्रा रखना होता है. सो फ्रंट का पार्ट आपने कंप्लीट किया है, देन बैक का पार्ट आपको सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन है वो चेंज करना है. यहाँ पे आपको नेक वेड़, बाकी के मेजरमेंट्स कुछ भी डालने नहीं है. ओके सो ये आपको चेंजेस करने हैं, बाकी इसमें ऐसे जैसे चेंजेस नहीं है. सिर्फ सबसे पहले मेन पॉइंट आपको शोल्डर का 0 to 5 शोल्डर मेजरमेंट डालना है, फुल शोल्डर, एंड देन वहाँ पे मेजरमेंट्स डालने हैं. तो जैसे मैंने बताया अभी कि सेंटर जो बेसिक जो कुर्तीज आती है साइड स्लिट वाली, उसमें फॉर्म हो सकता है या ए लाइन में या प्रिंसेस में. ओके सो ये प्रिंसेस में फॉर्म करके दिया है, इसके थोड़े से मेजरमेंट चेंज है, बट जो पहले आपको प्रीवियस दिया है वही मेजरमेंट आप फॉलो कर सकते हो. देन ये एक है हॉल्टर नेक का. ओके जैसे मैंने बताया कि फ्रंट साइड से ये जो पट्टी है कॉलर की, ये पट्टी है वो फ्रंट साइड से स्टिच होके बैक साइड में ये क्लोज होती है. ओके बैक का पोर्शन कभी कभी यहाँ से जो आमहोल की लेंथ है यहाँ से कट होता है. ओके या फिर ये जॉइंट होता है, बट मोस्टली ये कट वाला पोर्शन ज़्यादा आपको दिखेगा हॉल्टर नेक में. सो उसके लिए आपको जस्ट एक यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है, जैसे आप देख रहे हो नेक लेंथ उसमें कितनी है, जनरली नेक लेंथ इसमें अराउंड 3 इंचेस रहती है, उससे ज़्यादा लेंथ नहीं देते हैं क्योंकि नेक लेंथ बढ़ जाएगी यहाँ पे. ओके डीप नहीं करना है आपको क्योंकि उसके आगे आप ये पट्टी फॉर्म करते हो, अटैच करते हो. सो उसका सिर्फ इसमें आपको जो बेसिक मेजरमेंट है, ठीक है, इसमें आपको जस्ट क्या चेंज करना है, ये जैसे आपका बेसिक ब्लॉक है वही ब्लॉक आपको ट्रेस आउट करना है. एंड नेक के जो ये रहेगी आपकी लेंथ, ओके फ्रंट नेक का जो है तो 32 डिवाइडेड बाय 10th आपको कैलकुलेशन डालना है फॉर फ्रंट नेक. ओके यहाँ पे लिखा है 32 चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 10th. ओके सो आपको ए टू जे चेस्ट डिवाइडेड बाय 10th मेजरमेंट डालना है, उसका कैलकुलेशन करना है. एंड देन ए टू के आपको जस्ट 1 इंच लेना है, कंपल्सरी 1 इंच बैक के लिए. ओके सिर्फ ये दो मेजरमेंट्स आपको चेंज करने हैं. अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो पोर्शन है रेगुलर जो आपका आमहोल पोर्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे आमहोल का पोर्शन फॉर्म होता है, बट ये तो आमहोल से नहीं अटैच किया है. सो ये यहाँ से आपको फॉर्म करना है. तो जो आपका बेसिक ब्लॉक है ना, जहाँ पे आपने ये जो पोर्शन लिया है कॉलर का जो पार्ट रहेगा, जैसे एच पॉइंट आपका फॉर्म हुआ है, वहाँ से आपको 1 इंच एच टू आई आपको 1 इंच मेजरमेंट लेना है. एंड देन वहाँ से जस्ट वो आमहोल का पॉइंट है वहाँ से आपको ये शेप क्रिएट करना है, मतलब आई एंड जी पॉइंट आपको जॉइन करना है, आमहोल का पॉइंट. ओके सो ये एक मेजरमेंट चेंज करना है आपको, जी टू आई का मेजरमेंट. ओके आई टू एच 1 इंच गैप रहेगा. एंड देन एच टू ए आपको नेक विड्थ एज इट इज जो आपकी लिए है वो रखना है. देन ए टू के बैक नेक लेंथ 1 इंच एंड ए टू जे फ्रंट नेक लेंथ का मेजरमेंट है चेस्ट डिवाइडेड बाय 10. ओके सो ये एक ड्राफ्ट आपको करना है. इसमें भी सेम आप सिंपल वेस्ट तक का ड्राफ्ट कंप्लीट कर सकते हो, ऐसे जिसके लिए पूरा आपको कुर्तीज का ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके सो ये दोनों भी ड्राफ्ट आपको कंप्लीट करने हैं. थैंक यू.